जैन क्लेशर्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। सो गाइस, अभी हम लोग अपने TH9 के अकाउंट पे हैं। यहाँ पर एक बिल्डर फ्री है, इसको अपग्रेड पे डालेंगे। बिजाट टावर डाल देते हैं अपग्रेड पे एक दिन के लिए। तो चलिए अटैक स्टार्ट करते हैं। वल्कारी अटैक स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो यहाँ पे आ चुके हम लोग, 2 गोलम, 13 वल्कारी एंड बेबी ड्रैगन, 6 वॉल ब्रेकर और बिजाट्स भी हैं। स्पेल कॉम्बिनेशन में 2 हील, 1 रेज, 1 जैम्प, 1 ब्रीज और 1 पॉइजन। तो यहाँ पर 2 गोलम से ड्रॉप किए हैं बाहर की साइड पे नीचे से, और यहाँ पे अपोनेंट का किंग है तो उसको वहाँ पर अपने किंग को ड्रॉप कर दिया, अपनी क्वीन अपग्रेड पे इस टाइम पे। एंड यहाँ पे वॉल ब्रेकर, वॉल्स ओपन हो चुकी है और अपने गोलन से अंदर की साइड गया है। ऊपर की साइड पे अभी वॉल्स नहीं ओपन हुई है, लेकिन अभी अपने पास 2 वॉल ब्रेकर्स हैं, इनको डिप्लॉय किया तो ये जा चुके हैं बॉलर्स, और किंग अंदर हो चुका है, गोलम इसी साइड आ रहा है अपने बॉलर्स, और यहाँ पर सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं अपनी वल्कारी। यहाँ पे जंप स्पेल ड्रॉप कर दी है क्योंकि यहाँ से अपने वल्कारी बॉलर सेंटर में जाएंगे तो यहीं पे 1 रेज एंड 1 हील आ चुके हैं, और सेंटर में एकदम तबाही सी मच गई है वल्कारी एंड बॉलर्स की। बहुत ही आतंक मचा दिए हैं और बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहे हैं। अभी ऊपर की साइड पर काफ़ी डिफेंसेस बचे हैं, लेकिन अपने पास 1 हील स्पेल है तो इसको हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं यहाँ, 1 बॉलर्स के ऊपर एंड 1 अपना गोलम्स। हालांकि ज़्यादा ही ट्रुप्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं, कुछ वल्कारी एंड किंग बचा है क्योंकि वेल्टी आ चुकी है, आधी हेल्थ ख़त्म हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे 1 कैनन्स है, ये शायद बॉलर्स निकाल लेगा 1 कैनन्स को, और बाहर की साइड पर लेफ्ट साइड यहाँ पे 3 वल्कारी हैं, 1 शायद किंग के साथ है एंड अपना बॉलर्स ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर 1 गोलम से तो वो जाएगा डिफेंस की साइड पे, वहीं पे वल्कारी वापस से जाती है, 3 वल्कारी बाहर की साइड पे हैं, और यहाँ पे गोलम एंड किंग वल्कारी तीनों डिफेंसेस पे पहुँच चुके हैं। किंग की एबिलिटी पॉप अप एंड यहाँ पे फंस जाएंगे अपने किंग्स एंड वल्कारी गोलम्स, क्योंकि किंग बाहर की वाल्स तोड़ रहा गोलम से इधर की, एंड आ चुका है किंग और वाल्स ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे लास्ट फ्रीज बहुत ही मस्त टाइमिंग के साथ फ्रीज किया गया, लेकिन ज़्यादा टाइम तक फ्रीज नहीं रही डिफेंस, और ये आज के वल्कारी से अंदर कट गए सारे डिफेंसेस, और ये लास्ट में गोल्ड स्टोरेज। बहुत ही बढ़िया अटैक रहा ये वल्कारी अटैक स्ट्रेटजी, कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट अटैक है सेम आर्मी के साथ, बेस लेआउट काफ़ी फेमस बेस लेआउट, यहाँ पर देख सकते हो 2 गोलम्स का डिप्लॉयमेंट, पीछे से बिजार्ड्स एंड यहाँ बेबी ड्रैगन से फनल के लिए, और यहाँ पे आ चुके हैं वॉल ब्रेकर, वॉल्स ओपन हो चुकी है दोनों साइड की, दोनों साइड से गोलम अंदर की साइड बढ़ता हुआ, और यहाँ पे अभी अपना किंग भी आएगा और अपने बॉलर्स भी आएंगे। किंग का डिप्लॉयमेंट हो चुका है एंड विजार्ड भी है अपने पास, बेबी ड्रैगन है, वल्कारी सेंटर में ले जानी है तो इसके लिए हमें बॉलर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, और यहाँ पे आएगी अपनी जंप स्पेल। तो जंप स्पेल हमने ड्रॉप करी है और वहीं पर आएंगी सारी की सारी वल्कारी सेंटर की तरफ मूव करेंगी, और अभी अपने पास पॉइजन है तो इसी में से कुछ निकला नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट रेज आ चुकी है एकदम सेंटर में, और अच्छी खासी तबाही मच चुकी है, एक्सपो वगैरह उसी तबाही में निकल गई। 1 हील स्पेल थोड़ा आगे बढ़ा के डाली हमने क्योंकि वहाँ पे बॉलर्स और वल्कारी आगे बढ़ गई थी, लास्ट स्पेल, लास्ट हील स्पेल उसको भी डिप्लॉय किया, और बाहर की साइड पे बेबी ड्रैगन्स अपना एंड गए। सभी अपने पास फ्रीज है और यहाँ पर देख सकते हो डिफेंसेस ज़्यादा बचे हैं, और यहाँ पर लास्ट फ्रीज हमने कर दी क्योंकि सारे डिफेंस अंदर की साइड पे थे, तो यहाँ बॉलर्स आ चुके हैं। हालांकि लास्ट में ऊंची आर्चर वल्कारी वॉल ओपन करके ख़त्म कर दी, और ये ख़त्म परफेक्ट 3 स्टार बेस हो चुका है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब।